तो भाई लोग साउथ अफ्रीका मेरे और एक वीडियो में, तो आज के वीडियो में रुकना लाओ। आज प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई तेलुगु मूवी नरप्पा का, जो कि ऑफिशियल रिमेक है तमिल मूवी असुरन का। तो बिना घर के लाइटें बंद करे चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हर किसी को पता है कि असुरन मूवी है ना अपने जगह है, एकदम आउटस्टैंडिंग मूवी है। उनसे ऐसी मूवी कोई भी नहीं बना सकता सिवाय वेट्री मारन के। लेकिन फिर भी ये जो मूवी है ना नरप्पा, एकदम एक्यूरेट मूवी है। इस मूवी में कोई भी ऐसी गलती नहीं है, बस इतनी सी बात है कि ये असुरन की रीमेक है। मतलब सीन बाय सीन, डायलॉग बाय डायलॉग, हर एक चीज को कॉपी किया गया है। हर एक चीज है ना एकदम एक्यूरेट है, जैसी असुरन में थी वैसी है। प्रपोज भी सेम ही है। पहले तो प्रियमणी है ना, उनकी प्रपोज थोड़ी बहुत मुझे लगी, मतलब मंजू वारियर है ना, उनकी प्रपोज बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। वो शुरुआती कुछ सीन में उतनी नहीं लगी थी, लेकिन बाद में जब अलग अलग सीन आते, इमोशनल सीन आते, तब उनकी प्रपोज है ना एकदम मैच कर जाती है। और मूवी की कहानी और मूवी का स्क्रीन प्ले वेट्री मारन का है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। और मनी शर्मा का बीजीएम है, जिसमें भी कोई भी बदलाव नहीं किया, वैसा ही बीजीएम है। लेकिन डिफरेंस इतना है कि जो कैरेक्टर के एक्टर है ना वो बदले गए, जिसके कारण हमने पहली वाली मूवी देखी असुरन, उसी के कारण ये दूसरी वाली मूवी है ना उसमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन जो इमोशनल बैकग्राउंड और इमोशनल सीन्स है ना उसमें हर वक्त इंटरेस्ट रहता है मूवी में। तो असुरन मूवी पहले से हिंदी में आ चुकी है, जिसके कारण आप लोग तेलुगु मूवी तो नहीं देखने वाले। तो ये मूवी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए, जो कि एकदम परफेक्ट मूवी है और परफेक्ट रिमेक है। और पहली बार ऐसा लगा कि कोई तो ओरिजिनल मूवी है जो कि हिंदी में पहली आई है, और उसकी डबिंग है ना वो एकदम ऑसम हुई है, और तो रिमेक मूवी है ना वो बाद में आई है। लेकिन ये मूवी हिंदी में नहीं आई, मतलब तेलुगु ओरिजिन हिंदी में कब आएगा ये भी पता नहीं है। लेकिन इस मूवी में देखने के लिए नया सिर्फ ये है कि इस मूवी के नए कैरेक्टर है, जैसे कि वेंकटेश, प्रियमणि और राम रमेश जैसे गजब लेवल के एक्टर है, जिसके कारण मूवी देखने में तो अच्छी लगती है और इमोशन को बहुत अच्छी तरह से क्रिएट करती है। तो ये पूरी तरह रिमेक मूवी है, तो इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और जो बीजीएम, इन सभी के ऊपर कोच भी बात नहीं कर सकती है। सब कुछ आपके ऊपर है कि आपको एक टाइम पास मूवी देखनी है तो आप देख सकते हो नए कैरेक्टर नए एक्टर के साथ, और बस सब कुछ आपके ऊपर है। अगर आपको कुछ टाइम पास करना है तो इस मूवी को देख सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, और बाजू वाला घंटा है ना उसे ऑल पर कर दो। अगर आपने मूवी देखी है, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है पसंद नहीं आता ये कमेंट करके जरूर बताना, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।